हाय गाइस सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे सो so गाइस आज है डेट 19th जुलाई एंड आज अपडेट आया है म्यूचुअल फंड में भी और स्टॉक्स में भी चल रहा है वे अपडेट तो पूरा मेरे दोनों म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का और दोनों स्टॉक पोर्टफोलियो का अपडेट दूंगा आपको मैं अभी तो वीडियो पूरी एंड तक देखना गाइस और uh, उससे पहले आप लो, आप लोग लोग कमेंट से बताओ का आज पॉजिटिव में में आया है नेगेटिव मेरा मैं आपको थोड़े टाइम में भी आगे सबका अपडेट दूंगा और जो लोग वीडियो में पहली बार आए हैं गाइज मैं डेली बेस पे ऐसे ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो स्टॉक पोर्टफोलियो का अपडेट देते रहता हूँ मेरा फर्स्ट गोल है गाइज वन करोड़ अमाउंट टच करने का और जब तक रीच नहीं होता तब तक मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ बाकी जो भी जब तक नहीं होता है मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके मैं उतना इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते रहता हूँ और लास्ट वन ईयर से गाइज मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो लाइक यू नो जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या स्टॉक stock में फूल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लाइक यू नो एक एजुकेशन पर्पज के लिए चैनल काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा और uh, बाकी वीडियो में जो भी मैं बोलता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ सब एजुकेशनल पर्पस के लिए ही होता है कोई भी बाय रिकमेंडेशन या कोई भी चीज़ का गाइज़ ऐसा चीजें मेरे साइड से नहीं रहता है तो जो भी आप चैनल से आप नॉलेज गेन करते हो या आइडिया लेते हो एक एजुकेशन पर्पस के लिए आपको मैं उस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ ओके okay, गाइज बाकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे और रिसर्च करो एंड देन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इन्वेस्टमेंट करो और अभी बात करें गाइज आज का आज पॉजिटिव में आया है नेगेटिव में तो फाइनली बहुत दिन बाद बहुत भयंकर रेड दिखा है और 8,223 रुपीस के अराउंड नेगेटिव में गया है 0.72 परसेंट एक ही दिन में गिरा है अभी 38.24 परसेंट का टोटल रिटर्न्स है अभी एक्सआईआरआर दिखा रहा है 58. फाइव परसेंट और आज का देखेंगे गाइस कैसा किसने परफॉर्म किया है वनडे का तो आज देखेंगे तो निपॉन में गया है गाइस थ्री uh, थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री रुपीज़ के अराउंड नेगेटिव में जीरो पॉइंट सेवन टू परसेंट कोटक स्मॉल कैप में गया है जीरो पॉइंट एट फोर परसेंट थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स रुपीज़ के अराउंड एक्सेस स्मॉल कैप में है वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री रुपीज़ के अराउंड नेगेटिव में जीरो पॉइंट फोर नाइन परसेंट तो ओवरऑल गाइज uh, कोटक स्मॉल कैप में ज्यादा गया है नेगेटिव में सबसे ज़्यादा आज के डेट के आज का वन डे के चेंज के हिसाब से तो ओवरऑल देखते हैं अभी ये आगे यहाँ से और नीचे जाएगा या ऊपर बाकी आप लोग कमेंट्स में बताओ गाइज आप लोग का भी नेगेटिव में गया या पॉजिटिव में गया म्यूचुअल फंड का मेरा दूसरा पोर्टफोलियो का बात करते हैं तो इसमें गाइज अभी टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है टू ट्वेंटी फाइव का पॉजिटिव में है ये मई मंथ से चालू किया था ये यही साल से 2024 में मई मंथ से स्टार्ट किया था तो ये मेरा सेकंड पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का इसमें तीन फंड्स मैंने डाले हैं आपको दिखाता हूँ कौन से कौन से हैं वो पहला है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इसमें है और दूसरा सेकेंड थर्ड पे है सेकेंड पे है कौन स्मॉल कैप फंड और थर्ड पे है एस बी आई स्मॉल कैप फंड तो ओवरऑल इसमें भी तो फिलहाल फोर पॉइंट फोर नाइन परसेंट का पॉजिटिव में है बाकी देखते हैं अभी आने वाले टाइम में करते हैं मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो का दोनों दोनों म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो दिखा दिया अभी बात करते हैं गाइज मेरे म्यूचुअल फंड मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो का तो फर्स्ट स्टॉक पोर्टफोलियो दिखाता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव गया या नेगेटिव तो ये रहा गाइज आज का वन डे रिटर्न ये तो टू डेज रिटर्न है टोटल रिटर्न देखेंगे तो थ्री पॉइंट नाइन नाइन फोर परसेंट के अराउंड जो भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है उज नाइन हंड्रेड अराउंड के ऊपर नीचे फ्लक्चुएट है और टोटल रिटर्न टू डेज रिटर्न आज 2.59 से 2.575 546 क्या मतलब ये ऊपर नीचे जो भी ये होते रहता है ये तो अभी चालू है मार्केट तो अप डाउन हो रहा है देखो फिर डाउन हो गया पर खैर ये तो ऊपर नीचे रहेगा ही बाकी आप लोग गाइस देखो ये कल इतना नेगेटिव में गया था और आज वापस ये इतना जंप में आ रहा मतलब देखो गाइस स्टॉक्स में आपको इन सब चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा बिकॉज वोलेटिलिटी इसकी अप uh, डाउन बहुत अनप्रडिक्टेड है मतलब और आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक यू नो पेशेंस भी रहना पड़ेगा आपने जो स्टॉक्स में डाला है आप बहुत कॉन्फिडेंस नहीं हो तो पेशेंस रखना पड़ेगा बिकॉज आप कुछ भी स्टॉक्स में मत डालो डालोग अच्छे से फंडामेंटल चेक करके बिजनेस क्या है उसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है क्या लाइक like, ओवरऑल आप इतना कैसा शांति वाला काम है आप अपना बाकी चीज पे काम करो बाकी पैसा बचता है उठाओ डालो एक बार आपने अच्छे से अपने कंफर्ट के हिसाब से फंड चूज कर लिया तो स्टॉक्स में ऐसा नहीं है आपको बहुत रिसर्च करना पड़ता है एक एक स्टॉक्स को जिसमें आप डाल रहे हो चूंकि आप वो पैसा कल माइनस में भी जा सकता है लॉस भी हो सकता है म्यूचुअल फंड में लॉस उसमें भी हो सकता है बट अगेन देखो चांसेस स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड तो ओवरऑल अभी तो फिलहाल देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो आपको लॉन्ग टर्म पे एक एजुकेशन पर्पज के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि देखो ऐसा वोलाटिलिटी क्या आप झेल सकते हो कभी एक दिन पहले इतना नेगेटिव में तो दूसरे दिन फिर से रिकवर तो बहुत वोलाटाइल है तो ये सब चीजें लाइक यू नो एक एजुकेशन पर्पज के लिए आपको पता चलते रहेगा गाइस कि अगर आपको तीन चार महीना देखो वीडियो को आपको लगता है या साल भर देखो मत करो इन्वेस्ट पहले पहले एनालाइज कर लो अगर आपको लगता है कि आप ये सब चीजें इतना वोलाटाइल झेल सकते हो तो तब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अच्छे से रिसर्च करके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इन्वेस्टमेंट करो ये रहा मेरा दूसरा स्टॉक पोर्टफोलियो लो इसमें भी आज थोड़ा पॉजिटिव में ही आ गया 2.05 परसेंट का पॉजिटिव है ऊपर दो हजार सात सौ से दो हजार छह सौ फ्लक्चुएट हो रहा है तो ओवरऑल तो आप देख रहे हो गाइस कैसे कल इसमें भी कितना नेगेटिव में था और आज वापस से रिकवर किया है वन डे पे या अभी वापस देखो लॉस में चले गया तो आप देख रहे हो ना गाइज ये झटके देते रहता है मतलब ठीक है बट जब तक मैं होल्ड कर रहा हूं मैं आपको ऐसे ही अपडेट देते रहूंगा गाइस चैनल का भी रिव्यू कर लेते हैं फोर थाउजेंड टू हंड्रेड फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एंड थर्टी वन सब्सक्राइबर हो गए गाइस जो लोग ने वीडियो यहां तक देखा अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो लॉन्ग टर्म पे चैनल से डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से म्यूचुअल फंड स्टॉक पोर्टफोलियो का एक आइडिया मिलते रहेगा बाकी जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब है गाइज आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह शेयर कर लो गाइज इतना तो गाइज आप सब लोग से मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ और अभी बात करेगा इस आज का वन डे इनकम कितना हुआ है यूट्यूब का और अब तक जुलाई मंथ का तो दिखाता हूँ जुलाई का डॉलर डॉलर है और अब तक जून जुलाई मंथ का देखेंगे तो दिखा रहा है नाइन पॉइंट फाइव टू डॉलर तो अभी जो वन डॉलर इक्वल्स टू कितना रुपीज चल रहा है करेंटली आप उससे कन्वर्ट कर लेना गाइस तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको भाई म्यूचुअल फंड कौन से ऐप से करना अच्छा है देखो ब्रदर आ... अच्छा बुरा मैं क्या बोलूँ मैं तो ग्रो और अब स्टॉक कर रहा हूँ फिलहाल अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आ, टच टचवुड कोई प्रॉब्लम तो अभी तक है नहीं बाकी देखो अः मैं सिर्फ मुझे ना आज के डेट में जब जब से क्योंकि अभी बीच में न्यूज देखा था तो ग्रो में भी कुछ इशू हुआ था बट अगेन वो वो सॉर्ट आउट हुआ है क्या हुआ है वो तो बात की बात है वो हुआ रहेगा नहीं हुआ रहेगा वो एक अलग मैटर है बट देखो सजेस्ट करना मैं बोलूंगा यह अच्छा है कल उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा देखो एंड ऑफ द डे हमको खुद को रिस्पॉन्सिबल खुद ले के लेके खुद से इन्वेस्ट कर, करना होगा जिसमें भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं फिलहाल मेरी बात करोगे मैं ग्रो और अब स्टॉक्स में कर रहा हूँ मेरे लिए तो फिलहाल अब तक तो दोनों को इतना प्रॉब्लम है नहीं और कुछ होता भी है बीच में प्रॉब्लम तो मैं कस्टमर केयर से बात करके उसको सॉर्ट आउट कर देता हूँ और रिस्पॉन्स uh, भी आ जाता है मतलब आप कुछ भी कभी कुछ ऐसा छोटा मोटा ऐप के रिलेटेड इशू हो रहा है तो बाकी uh, अब स्टॉक्स का मैंने लिंक भी डाल के रखा है डिस्क्रिप्शन तो, uh, में लिंक भी डाल के रखा है डाउनलोड करने का स्टॉक्स uh, का वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, guys, ऐसे ही चैनल को सपोर्ट दिखाओ ज्यादा दिखाओ गाइस लेकिन कभी भी कम मत दिखाना गाइस एक बात जरूर बोलूंगा आप लोग और हाँ मैं ये बोलना तो भूल ही गया गाइस टेन थाउजेंड सब्सक्राइबर बोलना नहीं ये साल टेन थाउजेंड सब्सक्राइबर तक रीच करने का गोल है तो इतना तो सपोर्ट दिखाओ बाकी आप लोग अपना ख्याल रखो ध्यान रखो बाय एंड टेक केयर